दोस्तों स्वागत है, मैं आमिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज हम दिखाएंगे 27x65 की जो सीरीज होती है उसका सबसे मेन प्रोसेस जाली मॉस्किटो मेज डोर बनाने का। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज डोमाल की 27x65 की सीरीज का आज हम आपको मॉस्किटो मेज डोर किस तरीके से बनाते हैं यही टॉपिक पर आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारी 27x65 की सीरीज है और आज हम इसमें आपको जाली लगाने का प्रोसेस दिखाएंगे और ये देख सकते हैं इसको जोड़ किस तरीके से रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। अब ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा करीब जाके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर हमने व्हील भी डाल दिए हैं, व्हील भी आपको दिख रहे होंगे, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने वूल पाइल भी डाली है, देखिए व्हील आपको साफ नजर आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं। अभी हमने इसमें स्क्रू नहीं लगाया है, स्क्रू बाद में लगाएंगे, जब हमारी इसमें जाली लग जाएगी तब हम इसमें स्क्रू लगाएंगे। तो देख सकते हैं जोड़ने के दो तरीके हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसको क्लिट से भी जोड़ सकते हैं और इसको आप एंगल से भी जोड़ सकते हैं। क्लिट का अपना अलग अलग काम है और जो इसकी जो एंगल है एंगल का अपना अलग काम है। क्लिट ये व्हील भी मैं इसका दिखा देता हूँ, ये डोमाल का व्हील है जो 27x65 की जो सीरीज होती है ये उसका व्हील है। एक्चुअली ये 22mm ये व्हील है और ये डोमाल में ही यूज़ किया जाता है। तो अभी हम इसमें जाली लगाने का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जाली लगाने का प्रोसेस चल रहा है। इसमें क्या है कि हम एक तरफ से पहले इसके अंदर जाली डाल लेते हैं, जैसे कि हमने इधर देख सकते हैं आप, एक तरफ से आप जाली डाल लेंगे और जाली डालने के बाद इधर से थोड़ा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद एक तरफ से जब हम इसमें यू चैनल लगा लेंगे और एक तरफ से फिक्स हो जाएगा तो इसके बाद जो है दूसरी तरफ से इसको काटना है। दूसरी तरफ से काटने के बाद, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी भी जाली छोटी होने का जो भय नहीं होता और इसमें कभी भी नुकसान नहीं होता जाली का, तो सही तरीका तो यही है कि आप पहले जाली को एक तरफ दो तरफ से लगा लें। देखिए एक वो उधर की तरफ से जो आपको दिख रहा है और एक इधर की तरफ से जहाँ पर ये यू चैनल लगाई जा रही है, तो एक तरफ से इस तरीके से कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे उसमें स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू लगाने के बाद क्या होता है कि इधर की तरफ ये जो इधर की तरफ से क्या करते हैं इसको काट लेते हैं, तो जाली कभी छोटी नहीं होती। तो आप देख सकते हैं इसको फिक्स किस तरीके से किया जाता है। इस पे हम सेल्फ स्क्रू लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से जाली लगाई जाती है, यानी कि मॉस्किटो मेश लगाई जाती है। ये देख सकते हैं एक तरफ से हम इसको फिक्स कर रहे हैं, ये अंदर यू चैनल आपको नजर आ रही होगी, तो एक तरफ से इसको फिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये स्क्रू लगाए जा रहे हैं, जिस स्क्रू का नंबर होता है 625। देखिए यू चैनल में जो हम जाली के पल्ले बनाते हैं तो यू चैनल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बता देता हूँ मैं यू चैनल का साइज, ये 9x9 की ये 9x9 की यू चैनल है। और देखिए हम क्या करते हैं कि जब हम जाली के पल्ले बनाते हैं तो इसमें पहले से ही होल कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम होल नहीं करेंगे तो मैं बता दूं जब हम स्क्रू लगाते हैं तो क्या होता है कि स्क्रू जो होता है वो रपटने के चांसेस होते हैं और जाली में छेद हो जाता है। यानी कि स्क्रू जब रपटता है, स्क्रू जब हम लगाते हैं स्क्रू अगर फिसल जाता है यानी स्लिप कर जाता है तो क्या होता है कि जाली में छेद कर देता है। तो सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि आप यू चैनल में होल कर लें। इसके लिए मैं बता देता हूँ आप 1.5 का बिट जो आता है उसका इस्तेमाल करें। एक तरफ हमने यू चैनल लगा ली है जैसा कि मैं भी आपको दिखा रहा था, तो एक तरफ यू चैनल लगाने के बाद हम साइड से जाली काट लेते हैं। देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ, एक तरफ हमने यू चैनल लगा लिया, ये आपको स्क्रू भी नजर आ रहा होगा, तो एक तरफ हमने जाली लगा दी है। अब क्या है कि हम इधर की तरफ जब जाली लगाएंगे तो इधर को हम थोड़ा कटिंग कर लेंगे पीस, ताकि हमारा पीस जो वेस्टेज ना जाए और दूसरा पीस बचा हुआ जो हो वो भी काम आ जाए। तो देख सकते हैं वो बचा हुआ पीस है, हमने 5 फुट की जाली का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पल्ले जो थे वो 2.5-2.5 फुट के ये पल्ले थे, इसीलिए हमने क्या किया 5 फिट का बंडल, ये देख सकते हैं ये 5 फिट का बंडल है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया और दो
पल्ले का साइज बनाया जाली में से। हम इसमें यू चैनल लगा लेते हैं और यू चैनल लगाने के बाद इसमें स्क्रू लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं यू चैनल को लगाते हुए समय, इसको अंदर डालते समय इसको हम स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी हथौड़ी से हम इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं, क्योंकि आप अगर हाथों से करेंगे तो अंदर वो जाएगी नहीं, बहुत टाइट हो जाती है क्योंकि जाली उसके अंदर चली जाती है, तो यू चैनल बहुत आसानी से नहीं जा पाती। तो इसीलिए हम स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ठोक लेते हैं, क्योंकि क्या होता है स्क्रू ड्राइवर से उसमें किसी भी प्रकार का कोई डेंट नहीं आता, अगर हम हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डेंट आ जाता है। तो देखिए उधर यू चैनल लग चुकी है, ये देख सकते हैं यू चैनल अंदर जा चुकी है। तो इसमें क्या सिर्फ इसमें होल बाकी रह गए हैं, यानी कि हमें स्क्रू लगाना बाकी रह गया है। तो ये देख सकते हैं एक तरफ हमने स्क्रू लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं स्क्रू लग चुका है, और उधर की तरफ भी आप देख सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से स्क्रू लगाए जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं हमने दो तरफ यू चैनल लगा दिया, अब हमारी टू साइड बचती हैं। अब देखिए जब हम इसको कसेंगे तो कितनी टाइट ये जाली हो जाएगी, आपको किसी भी तरीके का इसमें होल नजर नहीं आएगा, झोल कोई भी आपको इसमें नजर नहीं आएगा। तो इधर की भी हम यू चैनल लगा लेते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, आप जो भी यू चैनल लगाते हैं आप बड़ी साइड पे पहले लगाइए, बड़ी लगाने के बाद आप उस साइड पहले फिर लगाइए, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको इधर की तरफ लगानी है, आपको उधर की तरफ सबसे लास्ट में लगानी है, ताकि झोल जो हमारा हो वो बड़ी तरफ से निकल जाए, यानी कि जो बड़ी जगह होती है वो आराम से कवर कर लेती है झोल को, यानी कि झोल को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो इस तरीके का आप इस्तेमाल करें तो जाली काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा पाएंगे आप। और एक बात हमेशा याद रखें, जब आप डोमाल के पल्ले बनाते हैं उनमें मॉस्किटो मेस लगाते हैं, तो आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जाली को इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, ताकि ये यू चैनल लगाते समय किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको आप इस जाली को इस तरीके से नहीं मोड़ेंगे तो क्या होगा कि आपकी जाली जो है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि वो सही तरीके से टाइट नहीं हो पाएगी। तो ये जाली को मोड़ना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इस तरीके से ही जाली को मोड़ें। और इसमें क्या होता है कि यू चैनल का जो गैप होता है, यू चैनल के जो खांचे होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं और वो इस तरीके से जाली को पकड़ लेते हैं, यानी कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। तो ये आप हमेशा याद रखें और जाली को लगाने का सही तरीका आप सीखें। तो अभी मैंने एक पल्ले में जाली लगा दी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं हमने एक पल्ले में जाली लगा दी है, और ये जाली का डोर आप देख सकते हैं, ये जाली लगी हुई है, देखिए किस तरीके से कितनी टाइट जाली है, ये देख सकते हैं आप, इसमें कभी भी आपको झोल नजर नहीं आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। तो मैं ये हाथ मारकर यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए अगर ये टाइट नहीं होती तो इस तरीके से आवाज नहीं करती। तो इस तरीके से ही ये जाली लगाई जाती है, हमेशा आप याद रखें जाली किस तरीके से लगाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।